बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। वेलकम बैक टू माय चैनल स्टोरी लैंड ऑफिशियल एंड वेरी वॉम वेलकम टू ऑल द न्यू मेंबर्स हु हैव रिसेंटली सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर योर सपोर्ट, कमेंट, क्यूरीज एंड सजेशंस। आई एम उम्मे मोहम्मद एंड टुडे वी आर गोइंग टू रीड एंड ट्रांसलेट यूनिट नंबर 5 ईयर फ्रॉम ऑक्सफोर्ड अमेजिंग साइंस क्लास 3। अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगे या ऐसे कुछ सीखने को मिले तो वीडियो को लाइक कर दें। आज के लेक्चर का आगाज़ हम एज़ यूजुअल दुआ से करते हैं। रब्बी ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन। दिस इज़ द फिफ्थ यूनिट ऑफ दिस बुक एंड द नेम ऑफ दिस यूनिट इज़ एयर, हवा। इसका जो इंट्रोडक्शन हमें गिवन है, अ थिक लेयर ऑफ एयर सराउंड्स द अर्थ। हवा की एक मोटी तह ने ज़मीन को घेरे में लिया हुआ है, या ज़मीन के इर्द गिर्द उसकी एक मोटी तह मौजूद है। हमारा फर्स्ट टॉपिक है द एटमॉस्फेयर। देयर इज़ अ ह्यूज लेयर ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ। ज़मीन के इर्द गिर्द हवा की एक बहुत बड़ी तह है। इट कवर्स द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट। और इसने ज़मीन को ऐसे घेरा हुआ है जैसे ज़मीन ने कंबल ओढ़ा हुआ हो, ब्लैंकेट बोलते हैं कंबल को। दिस लेयर ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। और इस लेयर को, ये जो तय है, इसको हम फिज़ा बोलते हैं। द एटमॉस्फेयर इज़ मोर देन 1000 किलोमीटर्स डीप। और इसकी मोटाई तकरीबन 1000 किलोमीटर है। द एटमॉस्फेयर इज़ मेड अप ऑफ मैनी गैसेज। और ये बहुत से गैसों से मिलकर बनी है। ये जो फ़िज़ा है इसमें बहुत सी गैसें हैं। इट कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। जो मेन बड़ी गैसेज हैं उनमें एक नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कार्बन डाइऑक्साइड है। इट ऑल्सो कंटेन्स डस्ट पार्टिकल्स एंड जर्म्स। और इसमें डस्ट पार्टिकल्स यानी मिट्टी के ज़रात भी हैं, और जर्म्स यानी जरासीम भी हैं। द ऑक्सीजन इन द एटमोसफेयर इज़ यूज बाई ऑल लिविंग थिंग्स। इस फिज़ा में जो ऑक्सीजन है उसको तमाम जानदार चीज़ें इस्तेमाल करती हैं। इट इज़ यूज फॉर ब्रीदिंग एंड बर्निंग। ये सांस लेने के लिए, अमले तनफ़ुस के लिए और जलने के लिए इस्तेमाल होती है। कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमॉस्फेयर इज़ यूज्ड बाय ग्रीन प्लांट्स टू मेक देयर फूड। और इस फिज़ा में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसको पौधे इस्तेमाल करते हैं अपनी खुराक तैयार करने के लिए। ऑक्सीजन इज़ गिवन आउट बाय ग्रीन प्लांट्स। जितने भी सरसब्ज पौधे हैं वो ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स गिव आउट कार्बन डाइऑक्साइड। और जितनी भी जानदार चीज़ें हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करती हैं। व्हेन दे ब्रीद आउट, जब वो अपना सांस एक्सहेल करती हैं, तो जब इनहेल करती हैं तो ऑक्सीजन यूज़ करती हैं, और एक्सहेल करती हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में खारिज करती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड इज़ आल्सो गिवन आउट व्हेन थिंग्स बर्न। और कार्बन डाइऑक्साइड उस वक्त भी पैदा होती है, उस वक्त भी खारिज होती है जब कोई चीज़ जलती है। ऑल्दो अगरचे वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को नहीं देख सकते, वी कैन फील इट, हम इसे महसूस कर सकते हैं। एयर इज़ एसेंशियल फॉर लाइफ, ज़िंदगी के लिए हवा ज़रूरी है। ह्यूमंस, एनिमल्स एंड प्लांट्स कैन नॉट लिव विदाउट इट। इंसान, जानवर और पौधे इसके बगैर नहीं रह सकते। इन समर, गर्मियों में द एयर इज़ वार्म, हवा गर्म होती है। इन विंटर द एयर इज़ कोल्ड, सर्दियों में हवा ठंडी होती है। इन द रेनी सीजन, बारिश के मौसम में द एयर कंटेन्स अ लॉट ऑफ वाटर वेपर्स, हवा में बहुत से पानी के बुखारात शामिल हो जाते हैं। ऑन अ ब्राइट सनी डे, और एक चमकदार दिन जिसमें सूरज चमक रहा हो, द एयर इज़ ड्राई, हवा खुश्क होती है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एयर प्रेशर, हवा का दबाव। द एटमॉस्फेयर इज़ प्रेसिंग ऑन अस ऑल द टाइम। अब जितनी भी फ़िज़ा है इसका हमारे ऊपर एक प्रेशर है, एक दबाव है। वी डू नॉट फील द एयर प्रेसिंग ऑन अस, हम इस चीज़ को फील नहीं कर सकते कि हवा हमें दबा रही है या उसका हमारे ऊपर कोई वजन है या दबाव है। बिकॉज, क्योंकि वी आर यूज्ड टू इट, हमें इसकी आदत हो चुकी है। नेक्स्ट हमें एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट गिवन है। एक्सपेरिमेंट क्या है? वे एन एम्प्टी बलून, एक खाली बलून का, खाली गुब्बारे का वजन करें। नाउ फिल द बलून विद एयर, अब इस गुब्बारे को इसमें हवा भर लें। एंड वेट अगैन, उसका दोबारा वजन करें। यू विल सी दैट द बलून विद एयर इन इट वेज मोर देन द एम्प्टी बलून। और हम देख सकते हैं, क्लियरली नज़र आ रहा है कि वो बलून जिसमें हवा भरी गई है उसका वेट ज़्यादा है खाली गुब्बारे के मुकाबले में। दिस शोज़ दैट एयर हैज़ वेट, इससे पता चलता है कि हवा का वजन होता है। द वे एयर प्रेसेस डाउन ऑन ऑल थिंग्स इज़ कॉल्ड एयर प्रेशर। और जिस तरह से ये बाकी सब चीज़ों पर अपना वेट ट्रांसफ़र करती है, या हर चीज़ को प्रेस करती है अपने वेट की वजह से, उसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। और नेक्स्ट टॉपिक इज़ एयर प्रेशर एंड वेदर, हवा का दबाव और मौसम। द एयर प्रेशर चेंजेस फ्रॉम डे टू डे, हवा का जो दबाव है वो रोज़ाना तब्दील होता है, इसमें हर दिन तब्दीली वाक़िया होती है।
चेंजेस इन एयर प्रेशर अफेक्ट द वेदर, और इसी की वजह से हमारा जो हर दिन का मौसम है उसका टेम्परेचर भी हर दूसरे दिन से मुख्तलिफ होता है। ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन, द लेयर ऑफ एयर नियर द ग्राउंड बिकम्स वार्म, ज़मीन के जो सबसे नज़दीक तय होती है हवा की वो गर्म हो जाती है ज़मीन के टेम्परेचर की वजह से। वार्म एयर इज़ लाइटर देन कोल्ड एयर, जो गर्म हवा है उसका वज़न कम होता है, वो ठंडी हवा के मुकाबले में कम भारी होती है। सो इट बिगिंस टू राइज, सो ये ऊपर उठना शुरू हो जाती है। कोल्ड एयर, ठंडी हवा विच इज़ हैवियर देन वार्म एयर, जो कि ज़्यादा भारी होती है गर्म हवा के मुकाबले में, कम्स टू टेक इट्स प्लेस, वो इसकी जगह लेने के लिए आ जाती है। कोल्ड एयर पुशेस द वार्म एयर आउट ऑफ द वे, और इस तरह से क्या होता है कि ठंडी जो हवा है वो गर्म हवा को अपने रास्ते से हटा देती है। दिस हैपेंस ऑल द टाइम, और ऐसा हर वक्त होता रहता है, यानी ज़मीन के सरफेस के गर्म होने की वजह से पहले गर्म हवा ऊपर उठती है और उसकी जगह लेने के लिए ठंडी हवा आ जाती है। यहाँ पर हमें कुछ साइंटिफिक जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी पिक्चर्स दिखाई गई हैं। सबसे पहले है, वी कैन मेजर चेंजेस इन एयर प्रेशर विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड अ बैरोमीटर, ऐसे हम एयर का प्रेशर चेक कर सकते हैं। सेकेंड है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एन एनेमोमीटर टेल्स अस द स्पीड ऑफ द विंड, इससे हम हवा की स्पीड का पता चला सकते हैं। और थर्ड पिक्चर है, विंड वेन टेल्स अस द डायरेक्शन ऑफ द विंड, और इससे हम हवा का रुख पता कर सकते हैं कि हवा इस वक्त किस तरफ को चल रही है। द मूविंग एयर इज़ कॉल्ड विंड, चलती हुई हवा को विंड बोलते हैं। अ लाइट विंड इज़ कॉल्ड अ ब्रीज, और हवा हल्की हल्की चल रही हो उसको हम ब्रीज बोलते हैं। अ स्ट्रॉन्ग विंड इज़ कॉल्ड अ गेल, और जब तुंध हवा चल रही होती है उसमें तेज़ी होती है उसको गेल कहा जाता है। द स्ट्रॉन्गेस्ट विंड ऑफ ऑल इज़ कॉल्ड अ हरिकेन, और सबसे ज़्यादा तेज़ जो हवा होती है जिसको आंधी भी बोलते हैं उसको हरिकेन कहा जाता है। अ हरिकेन कैन अपरूट ट्रीज एंड डैमेज हाउसेज, और ये दरख्तों को जड़ों से उखाड़ देती है और घरों को भी नुकसान पहुँचाती है। नेक्स्ट हमें एक और छोटा सा एक्सपेरिमेंट गिवन है, हाउ टू मेक अ सिंपल बैरोमीटर, हम एक सिंपल बैरोमीटर किस तरह से बना सकते हैं। अभी हमने पढ़ा था बैरोमीटर हवा के प्रेशर को चेक करने के लिए यूज़ होता है। टेक अ टॉल थिन क्लियर ग्लास बॉटल, आपने एक लंबी सी और पतली सी बिल्कुल साफ शफाफ शीशे की बोतल लेनी है। स्टिक अ पेपर मार्क्ड विद सेंटीमीटर्स ऑन वन साइड ऑफ इट, और उसके साथ एक पेपर चिपका लेना है जिसकी एक तरफ सेंटीमीटर की रीडिंग हो। फिल इन द बॉटल विद वाटर, इस बोतल को पानी से भर लें। एंड केयरफुली पुट इट अप साइड डाउन, और इसको उल्टा कर दें बहुत एहतियात से। इन अ टब, एक टब के अंदर, फुल ऑफ वाटर, और ये जो टब है ये पानी से भरा होना चाहिए। वेन द प्रेशर ऑफ द एयर इज लेस, जब हवा का दबाव कम होगा, द लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉटल विल फॉल, पानी का जो लेवल है बॉटल के अंदर वो गिर जाएगा। वेन द प्रेशर ऑफ द एयर इज ग्रेटर, जब हवा का प्रेशर ज़्यादा होगा, द लेवल ऑफ द वाटर इन द बॉटल विल राइज, पानी जो बोतल के अंदर पानी है उसका लेवल ऊपर चला जाएगा। यहाँ पर नेक्स्ट हमें एक पिक्चर भी गिवन है बैरोमीटर की, जिसमें सिंपल बैरोमीटर बना कर दिखाया गया। इस तरह से बच्चे इसको घर में भी बना सकते हैं, अपने खुद से नहीं कोशिश करनी, क्योंकि इसमें कांच की बोतल यूज़ हो रही है और उसके टूटने का डर है, तो आप किसी बड़े की हेल्प से, अपने किसी ब्रदर या सिस्टर को लेके या पेरेंट्स में से किसी को लेके, उनकी हेल्प से आप ये बना सकते हैं और ईजीली एयर का प्रेशर चेक कर सकते हैं। This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.